हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं, आर्सेनिक या एंटीमनी, तब बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में और होल्स होते हैं माइनॉरिटी में। और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे मिलेगा? जब प्योर सेमीकंडक्टर को डोप करेंगे किसी ट्रायवेलेंट इम्प्यूरिटी से, जैसे इंडियम या गैलियम से, तब मिलता है पी टाइप। और पी टाइप में होल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में, वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पर एन टाइप या पी टाइप का ऐसा सेपरेट यूज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम इन्हें यूज किया जाता है। पर यदि एक स्पेशल मेथड से पी टाइप और एन टाइप को आपस में फ्यूज कर दें तो एक बहुत यूजफुल डिवाइस हम बना सकते हैं, उसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्योंकि ये टू टर्मिनल्स की डिवाइस होती है, इसलिए डायोड कहलाता है। और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर सच दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कंटीन्यूअस एट द जंक्शन, द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो यहां पर मैंने बना रखे, यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर और यह है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां लिखा हुआ है कि इनको जब कांटेक्ट में लाते हैं, तो कांटेक्ट से मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं इनको फैब्रिकेट करने की। जंक्शन मतलब यह कहलाता है। तो इस जंक्शन को फैब्रिकेट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनसे पी को एन में फ्यूज करते हैं। तो उस वो हमें नहीं पढ़ना है, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इनको कॉन्टैक्ट में लाया। अब ये जो पी टाइप सेमी कंडक्टर है, इसमें ये क्या दिखाए हुए हैं? ये हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयंस, वो ट्रायवेलेंट इम्प्योरिटी, इंडियम या गैलियम, उसके एटम्स ये दिखाए हुए हैं हमने। और यहां दिखाए हुए हैं ये होल, ये सब होल्स हैं और बहुत कम होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयंस, ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स। और ये एन टाइप में क्या होगा? तो ये है डोनर इम्प्योरिटी आयंस, इमोबाइल डोनर इम्प्योरिटी आयंस, आर्सेनिक या एंटीमनी के ये एटम्स दिखाए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कुछ होल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही पी टाइप को एन टाइप के साथ कॉन्टैक्ट में रखते हैं, तब होता यह है कि एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स ये डिफ्यूज होने लगते हैं पी रीजन में, या यूं कह सकते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू पी रीजन। और यदि ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जाने लगेंगे तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स से कंबाइन होंगे। अब इसके क्या कंसीक्वेंसेस हैं? पहले ये कैसा था? ये न्यूट्रल था, एन रीजन या पी रीजन पहले न्यूट्रल था, क्योंकि जब वो प्योर सेमीकंडक्टर था जर्मेनियम, तब वो न्यूट्रल था, उसमें जो इम्प्योरिटी मिक्स की वो भी न्यूट्रल थी। तो एन हो या पी, इनिशियली वो कैसा रहता है? न्यूट्रल, क्योंकि उसमें एक्सेस या डेफिसिट नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का। पर यदि एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में चले गए हैं तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और यही होता है, इस जंक्शन के पास का ये सिरा ये पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब इसका पोटेंशियल हायर हो जाता है। और इधर क्या होगा? ये पहले न्यूट्रल था, होल्स के जाने से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कौन? पी का जंक्शन के पास वाला सिरा। और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे पी रीजन में डिफ्यूज होते रहते हैं, वैसे वैसे ये पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम। इसका पोटेंशियल कैसा हो गया है? पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल हो गया है नेगेटिव, मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से यहां एक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी, इंटरनल फील्ड। और ये इंटरनल फील्ड या ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का फर्दर डिफ्यूजन रोक देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ये फील्ड नहीं थी, तब तक इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे थे, पर इस फील्ड के प्रोड्यूस हो जाने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा सकते। हमको मालूम है उनके ऊपर फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा, और ये होल्स भी फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते, उन पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा।
मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स या ये होल्स इस फील्ड से रिपेल होंगे, या यूं कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कहते हैं आगे बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये इनका डिफ्यूजन आगे रोक देता है, तब इक्विलिब्रियम आ गया। ये हम उसका कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड किस तरह बनेगा, ये उसका अभी यूज नहीं है। यूज जब इसे करेंगे तब इन टर्म्स की हमको जरूरत पड़ेगी, इंटरनल फील्ड, पोटेंशियल, बैरियर। उसके अलावा आप देखें कि इस रीजन में जंक्शन के पास थोड़ा सा ये एन का ये एरिया और पी का ये एरिया, इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर, क्योंकि यहां से चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो जाते हैं, इसलिए ये कहलाती है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, और जैसा हमने पहले बात की कि ये सिरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, और ये सिरा नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, यानी अक्रॉस द जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये है वो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बैरियर पोटेंशियल बोला करेंगे, बैरियर पोटेंशियल या फिर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली वो पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्रोड्यूस हो जाता है और इनका डिफ्यूजन रुक जाता है, इसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब इसका सिंबल कैसा होगा, तो सिंबल के लिए हम यू सोचेंगे, हम बात कर रहे हैं करंट की, हम बात करते हैं चाहे वो ट्रांजिस्टर का सिंबल हो या वो जंक्शन डायोड का सिंबल हो, हमको देखना होता है करंट फ्लो। अब करंट फ्लो जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, हमें देखना है होल्स के चलने का डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन के चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन को हम करंट बोलेंगे ऑब्वियसली। अब जब ये कंडक्ट करेगा मतलब जंक्शन पे करंट फ्लो हो रहा होगा सपोज, तब क्या होगा, तब ये होगा कि होल्स इधर जा रहे होंगे, क्योंकि इस रीजन में क्या है होल्स, होल्स यदि जंक्शन की तरफ जाएं या इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ जाएं तो करंट कहां होगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मान लो होल्स यूं जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, मतलब जंक्शन पर जब करंट फ्लो हो रहा है तब होल्स जंक्शन की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन की तरफ मूव कर रहे होंगे। इन होल्स के राइट में मूव करने पर करंट कहां मिलेगा, वो मिलेगा राइट में, और इलेक्ट्रॉन्स के इधर जाने पर भी करंट इधर मिलेगा, यानी जब भी जंक्शन पर करंट फ्लो हो रहा होगा तब करंट की डायरेक्शन हमेशा पी से एन की तरफ होगी ऑब्वियसली। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं ऐसा मानकर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने पर करंट ऐसा हो जाएगा, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं। जब होल्स जाते हैं टुवर्ड्स राइट या इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, करंट हमको हमेशा मिलता है पी से एन की तरफ, और इसलिए इसका सिंबल हमने ऐसा फिक्स कर रखा है। ये एरोहेड क्या बताएगा, ये एरोहेड बताता है पी रीजन और ये बार बताता है एन, और ये जो एरोहेड है ये एरोहेड साथ में हमको कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बता रहा है, मतलब होल्स जब पी से एन रीजन में जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जब एन से पी रीजन में जाते हैं तब जंक्शन पर करंट फ्लो होता है। तो ऐसा इसका सिंबल है, अभी आगे और आपको समझ में आएगा, ये इसका सर्किट सिंबल हो गया पीएन जंक्शन डायोड का, ऑर्डिनरी डायोड की बात कर रहे हैं। जब इसको ऐसा कर देंगे तब ये जीनर डायोड हो जाता है, अभी हाल फिलहाल ही ऑर्डिनरी डायोड। तो आगे अब बढ़ते हैं और अब इसकी हम करेंगे बायसिंग। तो पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट्स में हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन अदर वर्ड्स पीएन जंक्शन डायोड के टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना या वोल्टेज अप्लाई करना, उसे ही कहते हैं बायसिंग। तो किसी जंक्शन डायोड की दो तरह से बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। पहले हम समझेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो यह है वो जंक्शन डायोड, ये पी रीजन और यह है एन रीजन। पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स, और यह है डिप्लीशन लेयर।
अभी जब तक इसकी बायसिंग नहीं हुई है, ये डिप्लीशन लेयर है। और अब हम करेंगे ये कि पी रीजन को किसी सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से, और ये वोल्टेज बाहर से हमने लगाया है उसको कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। तो याद क्या रखना है कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ना है। एक्चुअली हमको कहना यह है कि पी हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए और एन लोअर पोटेंशियल पर। जरूरी नहीं है कि इसको पॉजिटिव से और इसे नेगेटिव से ही जोड़ें, होना यह चाहिए कि पी रीजन को एन रीजन से हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड, और उसका ये जो एरो हेड है वो क्या बता रहा है, पी रीजन, और ये बार एन रीजन है। तो यदि इसे हम रखें -3 वोल्ट पर सपोज, तो अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव नहीं है, पर यदि एन रीजन को हम -13 वोल्ट पर रखेंगे तब भी क्या होगा, पी होगा हायर पोटेंशियल पर और एन होगा लोअर पोटेंशियल पर। तो अभी भी हम ये कहेंगे कि हमने इसे फॉरवर्ड वोल्टेज दिया है या बायस किया है। तो फॉरवर्ड बायस में पी को होना चाहिए हायर पोटेंशियल पर और एन को होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पर, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग से होगा क्या, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या करना है। हमको पता है कि जब तक इसे बायस नहीं किया गया था तो यहां पर थी एक इंटरनल फील्ड और एक था बैरियर पोटेंशियल। ये था बैरियर पोटेंशियल कब, जब उसे बायस नहीं किया था, तब की बात हो रही है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, जब तक कि इसे बायस नहीं किया गया था तो ये था बैरियर पोटेंशियल, ये हाइट बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की ये हाइट थी पहले। अब ये होगा कि ये वोल्टेज उस बैरियर वोल्टेज को पहले तो ओवरकम करेगा, वो उस इंटरनल फील्ड को भी ओवरकम करेगा, क्योंकि वो इंटरनल फील्ड इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन से दूर ले जा रही थी, रिपेल कर रही थी जंक्शन से दूर। पर ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को क्या करेगा, जंक्शन की तरफ रिपेल करेगा, और इसी तरह ये नेगेटिव टर्मिनल भी इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा टूवर्ड्स जंक्शन। तो पहले ये वोल्टेज उस पोटेंशियल, वो जो बैरियर वोल्टेज था उसको ओवरकम करता है, उसके बाद ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों जंक्शन की तरफ जाकर रिकम्बाइन होते हैं और जंक्शन पर करंट फ्लो होता है। अब याद ये रखेंगे हम सिर्फ अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं, तो ये करंट जो यहां पर प्रोड्यूस होगा जंक्शन पर, कहां से कहां, पी से एन की तरफ, क्योंकि होल्स जा रहे हैं पी टू एन, करंट विल बी पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एन टू पी, करंट विल बी ऑल्सो पी टू एन। तो जंक्शन पर बहुत सारा करंट बहता है और इस करंट को कहते हैं फॉरवर्ड करंट। तो अब पहले समझते हैं कि ये होल यदि जाकर किसी इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हुआ तो क्या होगा। तो याद हमेशा ये रखें कि जब भी होल डिस्ट्रॉय हुआ तो इस एंड पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर चला जाएगा, और इस रीजन का क्या नुकसान हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान हुआ है, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन एन रीजन में आ जाएगा। इस तरह ये ड्यूरिंग कंडक्शन न्यूट्रल ही बना रहेगा, ये भले ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते रहेंगे और नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा होते रहेंगे। तो ये फॉरवर्ड जो वोल्टेज होता है इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज टू प्रोड्यूस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड मोर होल्स इन पी टाइप सेमी कंडक्टर, ये इस वोल्टेज ने किया। फिर होता क्या है, इस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रश टूवर्ड्स द जंक्शन एंड रिकम्बाइन, और रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट फॉरवर्ड करंट, इसको फॉरवर्ड करंट कहा करेंगे IF। अब फॉरवर्ड करंट और ये वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज होगा क्या, अब तो इसका असर ये होता है कि डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी। एक तो करंट तो फ्लो हुआ उसे कहते हैं फॉरवर्ड करंट, साथ में ये होगा कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी। ये इफेक्ट आता है इस वोल्टेज का, हाइट अब ये हो जाएगी उसकी हाइट, तो बैरियर वोल्टेज की हाइट कम हो जाती है, ये याद रखें, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी कम हो जाती है। ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ हो जाएगी, अब ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ हो गई,
तो ऐसा याद रखें कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो बैरियर वोल्टेज था, मान लो वो था वी नॉट, तो जो बाहर से हम वोल्टेज लगा रहे हैं इसको इससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि इसको ओवरकम भी करना है इसे। तो जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो जंक्शन पर बहुत सारा करंट बहता है, उसे कहते क्या है, फॉरवर्ड करंट। वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, बैरियर पोटेंशियल की हाइट भी कम हो जाती है, और इसे ही कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स बायसिंग क्या होती है, पर मैं आपको बताऊं आगे हम एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब होता है ये वोल्टेज और ये करंट। ये करंट कौन सा होगा, तो ये होगा फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड करंट और ये वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इन दोनों के बीच जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको कहते हैं हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसी से उस डायोड की पहचान होती है। इसको अभी हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। यहां पर हम क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर फॉरवर्ड वोल्टेज और वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे फॉरवर्ड करंट। तो उस ग्राफ का शेप इस तरह का आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमको एक वोल्टेज मिलने वाला है, एक पॉइंट मिलेगा, उसे कहते हैं नी पॉइंट, और ये एक वोल्टेज है, इसको कहते हैं नी वोल्टेज। तो ये जो हम कह रहे हैं कि खूब सारा करंट बहता है, बहुत सारा करंट बहता है, वो किस वोल्टेज के बाद, जब इस फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू उस नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है, उसके पहले बहुत कम करंट फ्लो होता है और उसके बाद बहुत सारा करंट फ्लो होता है। वेरी वेरी लेस बिफोर नी वोल्टेज एंड वेरी वेरी लार्ज आफ्टर नी वोल्टेज। तो ये करंट बहुत हो जाता है नी वोल्टेज के बाद में, इसको हम नी वोल्टेज और इस पॉइंट को हम नी पॉइंट कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। उसके अलावा ये याद रखेंगे कि फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये बह रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, पर इस फॉरवर्ड करंट के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है किसी डायोड की, वो रेटेड होता है फॉरवर्ड करंट के लिए, वो एक लिमिट के बाद और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और ज्यादा यदि बढ़ाएंगे तो हीटिंग होगी उसकी, ओवरहीटिंग, और ओवरहीटिंग से वो डैमेज हो सकता है। तो हर कुछ वैल्यू का करंट हम इसमें से फ्लो नहीं कर सकते हैं। और ये फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है, और ये फ्यू वोल्ट्स, ये जो है ये कुछ थोड़ा सा वोल्टेज यहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये करंट और वोल्टेजेस की वैल्यूज बहुत लार्ज नहीं होती, मतलब किलो वोल्ट मेगा वोल्ट में बात नहीं होगी, 5-6 वोल्ट वोल्टेजेस की बात होगी, और करंट्स होंगे माइक्रो या ज्यादा से ज्यादा मिली एम्पियर में। तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और अब आपने ध्यान दिया होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में ये पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लो को अलाउ करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, कब, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। और रिवर्स बायस अभी हम देखेंगे, उस समय रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा पीएन जंक्शन डायोड का। तो अब आएंगे रिवर्स बायसिंग पर, और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक बार और समझेंगे, तब बात करेंगे रिवर्स बायसिंग की। तो यह है पीएन जंक्शन डायोड, इसके पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये वोल्टेज कहलाता है रिवर्स वोल्टेज, और ये जंक्शन डायोड कहलाता है रिवर्स बायस्ड। होगा क्या, पहले बात कर लेते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। तो पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स, और एन में है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको याद होगा कि जब हम फॉरवर्ड बायस करते थे तो यहां होता था पॉजिटिव टर्मिनल, वो होल्स को रिपेल करता था, और यहां होता था नेगेटिव टर्मिनल, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके जंक्शन पर करंट फ्लो होता था। अब क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन से दूर जाएंगे, इनकी वजह से तो यहां करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। पर यदि बात करें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तो पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में होल्स। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इनका नंबर बहुत कम, पर इन पर आएगा इससे रिपल्शन नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स पर पी रीजन के, और एन रीजन के होल्स पर पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल्शन आएगा,
और ये जंक्शन पर रिकम्बाइन होंगे। इससे छोटा सा करंट जंक्शन पर फ्लो होता है, उसको कहते हैं लीकेज करंट या रिवर्स करंट। तो क्या हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये इनकी बात हो रही है। अ स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दे कंस्टिट्यूट अ स्मॉल करंट कॉल्ड लीकेज करंट और रिवर्स करंट। डिप्लीशन लेयर की विड्थ का क्या होगा, तो ये थी पहले डिप्लीशन लेयर की विड्थ, ये ग्रीन से जो दिखाया हुआ है ये है डिप्लीशन लेयर की विड्थ और ये है बैरियर पोटेंशियल की हाइट, ये पहले बायसिंग के पहले। पर अब क्या होगा, ये विड्थ बढ़ जाएगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। उसके अलावा ये छोटा सा करंट बह रहा होता है, इसका मतलब जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस्ड होता है तब उसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है। इसके लिए भी हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे। अभी हमने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, उसमें हम एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज था, फॉरवर्ड वोल्टेज। अब हम बात करेंगे रिवर्स वोल्टेज की, और इधर जो करंट हम शो करते हैं वो फॉरवर्ड करंट, और ये जो रिवर्स करंट है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये यहां पर हम शो करेंगे वाई एक्सिस पर। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमको इस तरह का मिला था, ये नी पॉइंट और ये नी वोल्टेज, ये फॉरवर्ड करंट, किससे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब जब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखते हैं कि इस रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएं तो भी ये करंट नेग्लिजिबली बढ़ता है, रिवर्स करंट बहुत कम बढ़ता है, पर थोड़ी देर बाद उसका सैचुरेशन आ जाता है। पर इसके बाद यदि आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वोल्टेज जिस पर करंट बहुत लार्ज हो जाता है उसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां था वो नी वोल्टेज जिसके बाद फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा होता है, और ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसके बाद करंट बहुत सारा फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसकी हम बात अभी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम फिर से पढ़ते हैं एक बार। तो यहां क्या याद रखना है रिवर्स बायस में, कि रिवर्स बायस में पी को हम लोअर पोटेंशियल पर रखते हैं, प्लस माइनस की जगह लोअर और हायर पोटेंशियल की टर्म्स में हमको सोचना चाहिए। जैसे मान लो मैं इसको रख देता हूं पी को -13 वोल्ट पर और इसको -3 वोल्ट पर, तो क्या है इसमें, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो है लोअर पोटेंशियल पर, एन है हायर पर, और एन यदि हायर पोटेंशियल पर है तो ये डायोड रिवर्स बायस्ड है, ये करंट बहुत नेग्लिजिबल करंट इसमें फ्लो होगा, वो लीकेज करंट, यानी कंडक्ट नहीं करेगा, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो याद रखेंगे कि फॉरवर्ड में वो करंट को अलाउ करता है, रिवर्स में नहीं करता। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम होता है डायोड का, और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की बात करेंगे, तो हम ड्रॉ करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए, और वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक बार पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड रखेंगे, वोल्टेजेस में चेंज लाकर करंट में चेंजेस देखेंगे। तो पहले हम वही कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक किसी सिलिकॉन डायोड के लिए। अब सिलिकॉन डायोड के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। नी वोल्टेज मतलब वो फॉरवर्ड वोल्टेज जिसके नीचे करंट बहुत कम होता है, वेरी वेरी लो, और जिसके ऊपर करंट सडनली राइज हो जाता है वोल्टेज को बढ़ाने पर, उसे कहते हैं नी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट। तो पहले बात करते हैं बिलो नी वोल्टेज, यह है वो फॉरवर्ड वोल्टेज और यह है फॉरवर्ड करंट। तो जब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं वो डायोड कैसा होता है, वो होता है फॉरवर्ड बायस्ड, और वोल्टेज वर्सेस करंट की स्टडी करने के लिए हमको इस तरह का सर्किट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यह है वो जंक्शन डायोड, इसके साथ सीरीज में ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक मिली एमीटर सीरीज में, पैरेलल में ये एक वोल्ट मीटर, और यह है रियोस्टेट। साफ तौर पर पी रीजन को हमने रखा हुआ है पॉजिटिव पोटेंशियल पर, और नेगेटिव पोटेंशियल पर है एन, और इस रियोस्टेट से
हम पोटेंशियल डिफरेंस पी और एन के बीच का चेंज करेंगे, करस्पॉन्डिंग करंट्स को मिली एमीटर से नोट करते जाएंगे। तो जब वोल्टेज नी वोल्टेज से कम होता है, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, यह है नी वोल्टेज का वैल्यू, यह है नी पॉइंट और यह है नी वोल्टेज। तो जब फॉरवर्ड वोल्टेज नी वोल्टेज से कम होता है तो करंट हम देख रहे हैं कि नॉन लीनियरली चेंज हो रहा है, पर है बहुत कम इसकी वैल्यू। तो करंट जो फॉरवर्ड करंट है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, वो होता बहुत कम है पर नॉन लीनियरली वेरी करता है बहुत थोड़ा सा। और जब वोल्टेज नी वोल्टेज से ऊपर हो जाता है, जैसे इस फॉरवर्ड वोल्टेज को नी वोल्टेज से ऊपर करेंगे, ये करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेरी लार्ज। बस ये दो बातें हमको इसमें याद रखना पड़ेंगी। और एक बात ये कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं किसी सेफ वैल्यू के ऊपर, व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन सेफ लिमिट, ओवर हीटिंग विल डैमेज द डायोड। मतलब इसको यदि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए फॉरवर्ड वोल्टेज को, तो ओवर हीटिंग से वो डायोड डैमेज हो सकता है। मतलब हर डायोड के करस्पॉन्डिंग एक सेफ वैल्यू होती है फॉरवर्ड वोल्टेज की, उसके ऊपर वोल्टेज नहीं रखना चाहिए। और ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जर्मेनियम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हीटिंग होगी उससे जंक्शन का टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सिलिकॉन के लिए 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो बस कुछ बातें याद रखनी है इसमें। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक सुनते ही से समझ में आ जाएगा कि वो फॉरवर्ड बायस या पीएन जंक्शन डायोड, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स से करंट फ्लो हो रहा है, फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज कहलाएगा। ऐसा इसका नेचर होता है, किसी भी डायोड के लिए ये इसी तरह का आएगा, बस ये वैल्यू स्लाइटली चेंज हो सकती है इसकी, किसकी, नी वोल्टेज की वैल्यू, बाकी इसका शेप ऐसा ही रहता है। इसलिए ही तो इसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व कह रहे हैं, मतलब हर डायोड के लिए सिमिलर टाइप का ही आता है। अब हम ड्रॉ करेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये इस हिस्से की बात हो रही है इस ग्राफ के, यह है रिवर्स वोल्टेज और यह है रिवर्स करंट, इस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। ये हमने ड्रॉ किया था, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से ही पता लग रहा है कि वो जो पीएन जंक्शन डायोड होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा। ये सर्किट हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यह पीएन जंक्शन डायोड, इसके साथ सीरीज में एक माइक्रो एमीटर लगा दिया, और पी को, पी रीजन को हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन रीजन को या एन टाइप को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये रिवर्स बायस्ड है ये डायोड। अब जब ये डायोड रिवर्स बायस्ड होता है तो ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है, ये उस बैरियर वोल्टेज का, बैरियर वोल्टेज मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन पर डिफ्यूज होने से रोकता है, वो जो बैरियर वोल्टेज है वो इसके साथ ऐड होकर और ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन से दूर जाएंगे, उनकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा। वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जरूर एक्सेलरेट होंगे टूवर्ड्स जंक्शन, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्सेस आएंगे और वो डिफ्यूज होकर एक छोटा सा करंट प्रोड्यूस होगा, उसको कहते हैं रिवर्स करंट। तो ये इस रिवर्स करंट की बात हो रही है। तो क्या याद रखेंगे इसमें कि एक्सटर्नल वोल्टेज एड्स टू बैरियर वोल्टेज, पहली बात। और ये जो करंट्स होते हैं ये बहुत हाई वैल्यू के नहीं होते, जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर में और सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में, और इसलिए यहां जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ था फॉरवर्ड बायस डायोड में, उसकी भी यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी बहुत कम होता है, क्योंकि लिमिटिंग रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को कंट्रोल करना। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब जरूर हाई वैल्यू करंट फ्लो होता है सर्किट में, उसको लिमिट करने के लिए उसको हमने इस्तेमाल किया था। यहां पर लिमिटिंग रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लिमिटिंग रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, करंट कांस्टेंट रहता है। तो ये हम इस रीजन में बात कर रहे हैं। रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो बहुत देर तक ये करंट कांस्टेंट रहता है, इसकी रिवर्स वोल्टेज की किसी वैल्यू तक ये कांस्टेंट बना हुआ रहता है, बहुत छोटा और कांस्टेंट। पर किसी वोल्टेज पर आकर ये करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज की इस वैल्यू को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं।
ब्रेकडाउन मतलब अचानक रिवर्स करंट बढ़ गया, इसका मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ गए होंगे। ऐसा दो वजह से हो सकता है, उसमें से एक कहलाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन और दूसरा कहलाता है अवलांश। ज़ीनर जो ब्रेकडाउन है इसको यूं समझाया जा सकता है कि जब हम इसको बढ़ा देते हैं रिवर्स वोल्टेज को, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्टली ब्रेक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस होते हैं तो जंक्शन पर करंट अचानक से बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट यदि कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस हो रहे हो, तो ऐसे ब्रेकडाउन को हम ज़ीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और दूसरा होता है अवलांश। अवलांश में होता यह है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होते हैं टूवर्ड्स जंक्शन। एक्सेलरेट होते हैं मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, फिर दो मिलकर और दो निकाल लेते हैं, तो इस तरह क्यूमुलेटिव वे में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की वजह से रश करते हैं जंक्शन की तरफ, और हाई वैल्यू करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको ही कहते हैं हम रिवर्स करंट, जो बहुत ज्यादा होता है इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग। ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। तो दो बातें हो सकती हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज दो तरह के हो सकते हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन और अवलांश। तो किसी डायोड को किस पर्पज के लिए हम बना रहे हैं, उसको डिजाइन किया जाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन के लिए या अवलांश के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो ये था रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओवरऑल हमको ये याद रखना चाहिए। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी डायोड हो वो इसी तरह का उसका बिहेवियर होता है फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेजेस के साथ में। बस ये नी वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यूज स्लाइटली चेंज हो सकती हैं, पर ओवरऑल उसका नेचर, उसका बिहेवियर इसी तरह का होता है, इसलिए इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये थे VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जंक्शन डायोड का रेक्टिफिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल होता है वो समझेंगे। तो अब पढ़ेंगे डायोड एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर मतलब जो रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग AC इंटू DC। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट आप जानते होंगे, इस तरह का करंट या इस तरह का वोल्टेज ये कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसको ऑल्टरनेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है और ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। ऐसा सिग्नल होता है ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। और इसको जब हम किसी डायोड से पास करेंगे और यदि आउटपुट में हमको इस तरह का सिग्नल मिलता है, तो हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। उसके पहले डीसी क्या होता है ये समझ लेते हैं। डीसी का मतलब होता है ऐसा करंट या वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो पर डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे थे कि ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स पॉजिटिव नेगेटिव थी, पर इसमें हमको सभी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिल रही हैं, तो हम बोलेंगे हमने इसे रेक्टिफाई कर दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और यह है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इंस्टेड यदि हमको आउटपुट में इस तरह का सिग्नल मिलता है, तो हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हालांकि हमको यहां पर डीसी जो मिल रही है वो पल्सेटिंग डीसी है, जो हमको सेल या बैटरी से मिलती है वो स्टेडी डीसी होती है, ये पल्सेटिंग डीसी है। तो डायोड ये काम कर सकता है, एसी सिग्नल को वो डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ऐसा सिग्नल हम इनपुट में देंगे और आउटपुट में हमको ऐसा सिग्नल मिलेगा। उसके लिए हमें जरूरत होगी एक ट्रांसफॉर्मर की। ये जो दिखाई हुई है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल है, से P1 P2। इसके अक्रॉस हम लगाएंगे हमारा इनपुट सिग्नल, और ये है सेकेंडरी, इस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल। तो मान लो ऐसी हाफ साइकिल हमने इसमें इनपुट में डाली है, ये वाली हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये इनपुट एसी हो गया, इनपुट एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल। ये जो फिगर बना रहे हैं हम, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बना रहे हैं। तो मान लो कि ये एंड है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो म्यूचुअल इंडक्शन से इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो ये यदि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसका सेकेंडरी कॉइल का ये एंड S1 ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इस सेकेंडरी के साथ में ये जुड़ा हुआ है डायोड और ये है लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ऐसा बोलते हैं। ये है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस इज दैट अक्रॉस विच द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड उसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पहली हाफ साइकिल में मतलब करंट यूं जा रहा है प्राइमरी में तब सेकेंडरी में इस तरह फ्लो हो रहा होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अब इस डायोड को देखें तो इसका पी ये पी रीजन या पी इसका जो सेमीकंडक्टर है पी टाइप वो पॉजिटिव और ये एन टाइप ये है नेगेटिव मतलब ये डायोड कैसा है फॉरवर्ड बायस मतलब ये कंडक्ट करेगा। तो ये जो करंट या वोल्टेज जो हमको मिल रहा है इस सर्किट में सेकेंडरी में वो हमको इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस बाहर मिल जाएगा। तो इसने किया क्या ये सिग्नल को पास कर दिया ऐसा बोलेंगे अपने में से जाने दिया अलाउ कर दिया। तो ये था इनपुट ये मिला हमको आउटपुट। तो इसने एम्पलीफाई नहीं किया सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं बढ़ाया जैसा यहां था सिग्नल वैसा ही हमको यहां मिल गया क्योंकि इसने उसको अलाउ कर दिया। अब आएगी नेक्स्ट हाफ साइकिल। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा तो होगा ये कि ये P1 P2 ये जो दो एंड्स हैं यदि यहां ये नेगेटिव पॉजिटिव थे तो अब यहां क्या हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंगली ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो होगा क्या ये जो डायोड है P हो जाएगा नेगेटिव N हो जाएगा पॉजिटिव यानी ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है वो इस सिग्नल को कौन सा सिग्नल था ये इनपुट में नेक्स्ट हाफ साइकिल थी ये वाली हाफ साइकिल थी। अभी ये हाफ साइकिल थी पहले अब ये हाफ साइकिल है नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव वाली। तो इसको इसने अलाउ नहीं किया यानी अब हमको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर से आएगी फर्स्ट हाफ साइकिल ये वाली तो क्या होगा फिर से ये अलाउ कर देगा फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर अलाउ नहीं करेगा। इस तरह से आउटपुट में हमको ऐसा सिग्नल मिलेगा तो हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की तो हम देख रहे हैं इसमें से ये एक ऑसिलेशन उसका इतना पार्ट ये तो हमको मिलता ही नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ एनर्जी पावर होती है तो 50% एनर्जी तो हमको मिलती ही नहीं है आउटपुट में वो तो कम हो ही गई। उसके अलावा इसकी एफिशिएंसी 40% होती है जब ये सिग्नल इनपुट का ये सिग्नल हमको यहां बाहर मिलता भी है तो 10% एनर्जी वेस्ट हो जाती है यानी ओवरऑल देखें तो 50% तो वो हाफ साइकिल ना मिलने की वजह से लॉस होता है और 10% और हो जाता है यानी इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% होती है ये याद रखेंगे और इसे ही कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो बहुत ही आसान है अब हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो यह है वो इनपुट एसी ये इनपुट एसी ये प्राइमरी पी वन पी टू और सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल में ये एंड नेगेटिव है और ये एंड है पॉजिटिव तो इस सेकेंडरी का एस वन एस टू का ये एंड हो जाएगा पॉजिटिव और ये एंड हो जाएगा नेगेटिव। ये दो डायोड्स हमने यहां पर यूज कर रखे हैं डी वन डी टू और ये है लोड रेजिस्टेंस और इसे कहते हैं सेंटर टैप। यहां कहीं बीच में लाकर उस कॉइल में ये वायर जोड़ दिया है। तो यहां यदि हम बात करेंगे तो ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियल का ये प्लस है ये माइनस है तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा यानी सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का तो मैं दो प्लस लगा देता हूं फिर उससे कम यहां होगा और सबसे कम यहां पर होगा। ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात हो रही है और ऐसा होने पर ये P हायर और ये N D1 का ये लोअर होगा जबकि D2 में क्या होगा ये लोअर और ये N हायर हो जाएगा मतलब D2 वर्क नहीं करेगा इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। ये काम करेगा यानी ये सिग्नल को पहली हाफ साइकिल को ये अलाउ कर देगा और हमको आउटपुट में इस तरह का सिग्नल मिल जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। ये D1 ने काम कर दिया D2 नहीं कर रहा है अभी
अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा, इसी में मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली ये एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, सबसे ज्यादा पोटेंशियल S2 का, फिर C का, फिर S1 का। अब क्या होगा, इस D2 का P, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल का पॉइंट है, इसका पोटेंशियल इसके रिलेटिव हायर है, ये लोअर है, अब ये वर्क करेगा अब D2 पर, ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि P हो गया लोअर और इसका N हो जाएगा हायर, मतलब D2 विल वर्क, D1 डज नॉट, यानी फिर से इस नेगेटिव साइकिल के करस्पॉन्डिंग हमको सिग्नल मिलेगा, और यदि सिग्नल मिलेगा तो वो कैसा होगा, वो भी इसी तरह का होगा पॉजिटिव, क्योंकि RL में हमेशा करंट इस तरह से बहेगा X से Y की तरफ, तो दोनों बार हमको इस तरह का सिग्नल मिलेगा और यही होगा क्या, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सिंपल है। एक बार और आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसा आएगा, और ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल पर है, इसके रिलेटिव ये यदि हायर है तो इससे भी करंट इसी डायरेक्शन में मिलेगा, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया ये। बस दिक्कत क्या है, ये जो डीसी है हमको मिल रही है, जो डीसी ये मिल रही है हमको पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, इसका मतलब इसमें रिपल्स हैं, स्टेडी डीसी हमको नहीं मिल रही है, जैसे कि हमको सेल से मिलती है, सेल से हमको इस तरह की डीसी मिलती है, ये करंट ये टाइम, तो टाइम के साथ ना तो मैग्नीट्यूड में और ना ही डायरेक्शन में करंट चेंज हो रहा है, ये स्टेडी डीसी है। यहां जो हमको सिग्नल मिल रहा है ये पल्सेटिंग है, तो ये रिपल्स यदि कम करने हो, क्योंकि इसमें एसी डीसी दोनों कंपोनेंट्स हैं, एसी क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे इसमें दोनों तरह के कंपोनेंट्स हैं, एसी भी है और डीसी भी है, तो यदि इन रिपल्स को कम करके इस तरह का करंट हमें चाहिए होगा, तो हम इस लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा देंगे कैपेसिटर, और वो जो आउटपुट है, हमको आउटपुट जो मिल रहा है इस तरह का, उसको हम इस सर्किट से पास करेंगे, तो होगा ये जो कैपेसिटर है, आपको पता होगा इसका रिएक्टेंस होता है 1/ωC या 1/2πfC, यानी ये इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी तो है, तो XC नॉन जीरो होगा, किसके लिए, ये AC के लिए, यानी AC को ये अलाउ कर देता है कैपेसिटर, और DC के लिए यदि हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी जीरो, XC इनफाइनाइट, मतलब ये DC को तो ब्लॉक कर देता है और AC को अपने में से जाने देता है, तो जैसा ऐसा सिग्नल जब हम इनपुट में डालेंगे सर्किट के, तो ये कैपेसिटर इसमें से AC कंपोनेंट्स को अलग कर देगा और DC कंपोनेंट्स मिलेंगे RL को, तो हम आउटपुट में इस तरह का सिग्नल ले पाएंगे। तो कैपेसिटर का रोल है उसको फिल्टर कर देना, क्योंकि जो पल्सेटिंग DC हमको आउटपुट में मिली थी इस सर्किट के, उसमें AC DC दोनों कंपोनेंट्स थे, तो जब हम इसमें से इसे पास करेंगे ये फिल्टर कर देगा, दोनों को अलग अलग कर देगा AC और DC कंपोनेंट्स को, तो इस तरह से उसकी स्मूदनिंग की जा सकती है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ना मिले तो कम से कम उसकी स्मूदनिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत हमको इस तरह का करंट मिल सकता है, वोल्टेज मिल सकता है, तो ये उसका रोल है कैपेसिटर का, और इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं।